मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने जीका वायरस को लेकर कहा कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए नई रिसर्च हो, उनका प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जीका वायरस से निपटने के लिए बैटरी के माध्यम से सफल प्रयोग हुआ है। कोरोना को लेकर सारंग ने कहा कि संक्रमण दर में लगातार गिरावट हो रही है और प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। साथ ही कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि उसके प्रोटोकॉल का हमें ध्यान रखना होगा। अब कोर्ट में मामला है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए जो भी नया अनुसंधान है उसका हम प्रयोग करें, और ये देखने में आया है कि जीका से निपटने के लिए बैक्टीरिया के माध्यम से एक सफल प्रयोग हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भी हम ये प्रयोग करेंगे, पर सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि हमें इस जीका की रोकथाम भी करना और उसका इलाज भी करना है, और उसके लिए जो भी हमें नए अनुसंधान के हिसाब से करना होगा हम करेंगे। 76,201 टेस्ट हुए हैं, जिसमें केवल 16 पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट और नीचे गया है, और ये एक से अंदर 0.02% है। ये हम सबके लिए सुखद समाचार है, पर फिर मैं कहूंगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, प्रोटोकॉल का ध्यान हमें रखना ही है, मास्क हमें पहनना ही है।